नवोदय विद्यालय समिति स्टेनोग्राफर में जो भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हुआ है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन मिस्टेक रिजेक्टेड के बारे में मैं आपको क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर कई कैंडिडेट्स कई सारी गलतियाँ कर देते हैं जिनका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। वो गलतियाँ क्या क्या है, देखो ध्यान में रखने वाली बात है। सबसे पहली चीज़ कि अभी नेम में आपको कोई भी गलती नहीं करनी, नेम आपका करेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके फादर से नेम में आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये तीनों डिटेल्स जो है वो आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी होनी चाहिए। अगर 10th के मार्कशीट में गलत है तो 12th के हिसाब से डालो, और 10th में करेक्शन के लिए अभी से डाल दो, क्योंकि ज्वाइनिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी और पांचवी चीज़ जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्वाइनिंग की डिटेल्स वहीं पे ही आएगी। आपका हो गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हो दोनों ये एकदम करेक्ट होनी चाहिए, जैसे जो भी फर्दर कम्युनिकेशन ज्वाइनिंग का हो जो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी ईमेल आईडी वगैरह पे आपका भेजा जा सके, किया जा सके। इस वजह से सारी डिटेल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। तो ये जो भी डिटेल्स हैं ये बिल्कुल भी मिस ना करें, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं जो आप मिस करते हो, वो आप मिस करना बिल्कुल भी नहीं भूल।